हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का 35.6 में। तो आज के इस वीडियो में आपको भिन्न का जोड़ बताएंगे, जिसमें देखिए आपका ये ऊपर वाला जो है साधारण भिन्न का जोड़ है, जिसमें आपका देखिए हर जो है आपका बराबर है। जो नीचे वाला भिन्न का जोड़ है उसमें आपका हर देख रहे हैं बराबर क्या है, नहीं है, यानी असमान हर है। तो दोनों टाइप के भिन्न का जोड़ आपको बताऊंगा। एक चीज और आपको देखने को मिल रहा होगा, पहले आप दो भिन्न का जोड़ करते थे, आज आपके साथ कई सारे भिन्नों को क्या है आपस में जोड़ना है, तो भी आपको बताएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न आपको बताया जाए। पहला प्रश्न है, देखिए 3/8 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 3/8। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, 1/8 लिखा हुआ है, तो 1/8 लिख लेते हैं। फिर इसके बाद 7/8 है, तो 7/8 लिख लेते हैं। लास्ट में क्या लिखा हुआ है, 5/8 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम 5/8 लिख लेते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए ऊपर वाली चीज को हम क्या अंश बोलते हैं और नीचे वाली चीज को हर बोलते हैं। तो देखिए जब भिन्न का हर क्या हो, बराबर हो, सब नीचे वाला सब हर कहलाएगा। जब भिन्न का क्या हर बराबर हो, जैसे यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है, ये भी क्या है 8 है। तो जब भिन्न का हर बराबर होता है तो अंश को हम आसानी से क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो अंश को जोड़ लेंगे, अगर बीच में माइनस का चिन्ह होता तो इसे हम अंश को घटा लेते। तो चलिए यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह है तो हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 1/ का पाही आप लगाइएगा नीचे, और ये जो हर है आपका बराबर है, तो नीचे सिर्फ 8 लिख लीजिएगा। अब आप क्या करेंगे, ऊपर वाले अंश को जोड़ लेंगे। तो 3×1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 में आप जोड़ देंगे कितना, 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 में 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगर और आसानी से आप जोड़ना चाहें तो पहले 7 और 3 को जोड़ेंगे, 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10। 10 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 11। 11 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16/8 आ चुका है, तो इसे आप काट के सरल कर सकते हैं, 8×1 8 दुना कितना होता है, 16 होता है। तो 2/1 आ चुका है, तो 2/1 को आप क्या 2 लिख सकते हैं, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो पहला सवाल तो बड़े आसानी से सॉल्व हो गया, क्यों, क्योंकि जिस भिन्न का हर जो था आपका बराबर था, तो इसलिए हम आसानी से अंश को क्या किए, जोड़ लेंगे। नीचे वाला देखिए हर आपका बराबर नहीं है, तो इसको कैसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे, तो वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये देखिए आपका ये जो दूसरा प्रश्न है, वही प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, 4/8 + 1/6 / 5/8 + 6/2। यहाँ पर देखिए हर 8 है, यहाँ का हर 6 है, यहाँ का 8 है, यहाँ का 2 है, यानी भिन्न का हर बराबर नहीं है। तो जब भिन्न का हर बराबर नहीं होता है तो न उसे हम जोड़ सकते हैं न ही उसे घटा सकते हैं। कब उसे जोड़ और घटा सकते हैं, हम भिन्न के हर को क्या बराबर करेंगे तब इसे जोड़ भी पाएंगे और घटा भी पाएंगे। तो भिन्न का हर बराबर करने के लिए क्या 8, 6 और 8 और 2 का क्या हम एलसीएम निकाल लेंगे। अगर दो भिन्ने दी होती तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इन्हें बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन दो से अधिक भिन्नों को आपस में जोड़ना है, हर बराबर भी नहीं है, तो इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए हम 8, 6, 8, 2 का एलसीएम निकाल लेते हैं, 8, 6, 8, 2। तो देखिए हम एलसीएम निकालने का एक ट्रिक आपको बताए थे, ये आपको निकालने की आवश्यकता नहीं होती। तो 8 इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। जो लोग सीख गए होंगे तो वो बड़े आसानी से बता देंगे 8, 6, 8, 2 का एलसीएम क्या होगा। तो यहाँ पर चलिए निकाल कर भी आपको बता देता हूँ जिन लोगों को नहीं आता है। तो यहाँ पर 2 से भाग सबसे पहले देंगे 8 में, 2×4 कितना होगा, 8 हो जाएगा। 2×3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर 8 में 2 से भाग देंगे, 2×4 8। फिर 2 से हम 2 में भाग देंगे, 2×1 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 2 से फिर से भाग देंगे, 2×2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 नहीं कटेगा तो उसी तरह लिखेंगे। फिर 2 से 4 में भाग देंगे तो 2×2 4 हो जाएगा। यहाँ पर 1 है तो 1 लिख लेंगे। अब देखिए अभी 2 नीचे है तो 2 से हम फिर से भाग देंगे, 2×1 2 हो जाएगा। 3 यहाँ पर नहीं कटेगा, 3 लिख लेंगे, 2×1 2 हो जाएगा, फिर 1। अब देखिए सब कुछ 1×1 आ चुका है, सिर्फ 3 बचा हुआ है, तो 3 से भाग देंगे, 1 यहाँ पर है तो 1 लिख लेंगे, 3×1 3 हो जाएगा, 1 है तो 1 लिखेंगे, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या सिर्फ इसी चीज़ की क्या होती आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देखिए 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 3 है, इन्हीं का आपस में गुणा कर लेना है। तो 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2×2 कितना हो जाएगा, 4। 4 का गुणा 2 में करेंगे, 4×2 8। 8 का गुणा 3 में करेंगे, 8×3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो आपका एलसीएम कितना निकल कर आया है, 24 आया है। तब आप क्या करेंगे, 1/ का चिन्ह लगाइएगा और नीचे आप क्या लिख लेंगे, 24 लिख लीजिएगा।
अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसे आप रफ कर दीजिएगा यानी मिटा दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, जो हर है 8 उसका पहाड़ा पढ़ना है तब तक कि 24 नहीं आता। तो 8 का 8 8 16 8 3 24 यानी जो 8 है वो 24 को 3 बार में काट रहा है। तो 3 बार में काट रहा है तो 3 का गुणा इस ऊपर वाले 4 में करना है। तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 को यहाँ पर लिख लेंगे। अब आगे क्या प्रक्रिया रहेगी, ये नीचे जो 6 हर है इससे भाग दीजिए 24 में। तो 6 6 6 2 9 12 6 3 18 6 4 24 यानी 6 जो है 24 को 4 बार में काट रहा है। तो ऊपर अंश जो है उसका उसमें 4 से गुणा कर देना है। तो 4 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर आप प्लस का चिन्ह बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 8 का पहाड़ा पढ़िए जब तक कि 24 नहीं आता। तो 8 का 8 8 2 16 8 3 24 3 बार में 24 कट जाएगा। तो 8 के ऊपर जो अंश है उसी में 3 से गुणा कर देंगे। 5 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ पर 15 लिखेंगे। फिर प्लस का चिन्ह बनाएंगे। यहाँ पर देखिए 2 है, 2 से भाग दीजिए 24 में। तो 2 ब्रह्म कितना होता है, 24 होता है। तो 2 ब्रह्म में 24 होता है। तो 12 का गुणा हम क्या ऊपर वाले अंश में करेंगे। तो 12 6 कितना होता है, 72 होता है। अब हम क्या करेंगे, इनको आसानी से जोड़ लेंगे। तो पहले देखिए दाहिनी साइड में 2 है, तो 2 और 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7। फिर यहाँ पर क्या है, 4 है, तो 7 में 4 जोड़ देंगे। 7 4 कितना होता है, 11। 11 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 13। 13 3 हासिल लगा 1। अब देखिए यहाँ पर 7 है फिर 1 है, तो 7 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, 8 1 कितना हो जाएगा, 9। 9 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 10। 103 हो जाएगा। बटे में कितना है, 24 है। अब अगर यह देखिए किसी संख्या से कटने लायक है तो इसे हम काट के सरल कर लेंगे, अगर नहीं कटने लायक है तो इसको हम यहीं पर क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। वैसे ये तो किसी से कटने वाली नहीं है, तो 103/24 यही आप क्या कर देंगे, आंसर कह देंगे। यही आपका, इस तरह से आपका अगर हर बराबर नहीं रहता है तो LCM निकाल कर हम क्या हर बराबर करते हैं, तब जाकर इसे हम सॉल्व करते हैं, ये पूरी प्रक्रिया है। तो आज मैंने आपको सभी कई सारे भिन्नों को आपस में जोड़ना सिखाया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।